sí, ya, ¿no? Ahorita Roque te aquí. Vaya. Sí. Hace cuando que la tengo de aquí, ¿no? Sí. Amor de la que va a ser que de la que va a estar conocido, no está conocido. ¿De qué viene? Roque, ¿qué? Vaya. ¿De qué más te digo, Roque? Ah, voy a estar Roque. तो गाइस अब आपको दिखने वाला है शादी पूरा एक ही व्लॉग में। मैंने सारा शादी का रिचुअल वगैरह सब कुछ डाल दिया है और यहाँ पे दूल्हे को ऐसे परिश्ते हैं तो मैं बस वही कर रही हूँ रस्म। एंड गाइज उसके बाद परिछावन होने के बाद दूल्हे राजा बैठ गए थे और यहाँ पे इनको येलो साड़ी पहना दी थी। और ये साड़ी हमने अरुण बस भंडार से ली थी, बहुत प्यारी सी साड़ी है। और चुन्नी ऐसे उठा दी थी, हमारे यहाँ येलो साड़ी पे ही शादी होती है लेकिन मेरी नहीं हुई थी, मैंने लहंगे पे ही की थी। और तब से मुझे लगता है कि नहीं, येल्लो पर ही होनी चाहिए, एक अलग ही लुक आता है येल्लो साड़ी पर, एक बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। कन्यादान, ये वो पल है जब कलेजा एकदम से ऐसा लगता है ना कि क्या ही हो जाएगा, जब मम्मी पापा के साथ बैठे हो और अचानक से उठ के जब पति के साइड जाके बैठना हो, और मतलब उस टाइम पे कैसा लगता है वो एक सिर्फ लड़की लड़की के माँ बाप ही जान सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब रोना आता है, अंदर से ऐसे लगता है कि सब कुछ छूट गया पीछे का। और इस टाइम पर सबकी आँखों में आँसू होता है, सब लोग रो रहे होते हैं और सबको ऐसा लगता है कि सच में ये दान दुनिया का सबसे बड़ा दान है, कन्यादान। और एक माँ बाप अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी का दान करते हैं। और कन्यादान पे बैठने के समय ही पैर में बिछिया पायल जो भी मायके के गहने होते हैं, चाहे नाक में का हो, जो भी मम्मी पापा का जितना होता है देने का उतना जो होता है वो पहनाया जाता है। और वही यहाँ पर पहना रही थी कितना बजे आरती? रात के 4:30 बजे उनके खाना कायल बने से कन्यादान हो गई। और ये कहाँ हो गई? फेरा वाला सात फेरो कैसे गला मेरा जाने वाला है आज। देखो सुबह सुबह लाइनर वाला कितना अच्छा लग रहा है, जब लगाती हूँ तब अच्छा नहीं लगता, अपसेट हो जाता है तो अच्छा लगता है।
चलो यार हाथ धोए, अंदर ही चलते हैं, बैठ के क्या फायदा। बाबा के पास भैया, तनी बबनी के बाबा के पास भेज दे। गाइस खाना वाना खा लिया, रात के बज गए हैं 4, अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, शादी चल रही है, दूल्हा दुल्हन दोनों जने बैठे हुए हैं और हमारे आपको पता है कुछ खाते पीते भी नहीं है, सिर्फ पानी पे हैं दोनों जने, दूल्हा दुल्हन। मैंने तो खा लिया था अपनी शादी में, मैंने और इन्होंने, थोड़ा बाहर का था तो लोगों ने खिला दिया था, गाँव का आया तो गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और ये मैंने कपड़े चेंज करे थे, आप सोच रहे हो इतना धड़ाधड़ ये कपड़े क्यों चेंज कर रही है, तो पहले मैंने जो पहना था वो तो जयमाल के लिए पहना था, उसके बाद कोरा पहनते हैं तो वो पहन लिया था, और तीसरा फिर वो बहुत हैवी लग रहा था, बनारसी था तो नहीं बर्दाश्त होता तो मैंने ये पहन लिया सिंपल सा। और बाकी अभी हम अंदर चलते हैं और बाकी जो भी रस्में हैं थोड़ा 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 कैप्चर करते हैं आपको दिखा। शरीर में तेल उठन तो शरीर में लगी है, हंसी मजाक करी है, घर से बाहर चल जाये तो जितना श्रृंगार कई बार ऐसे मुंह मोड़ लेबे के जब तक बाद फेरे वेरे सब हो गए थे। और यहाँ पे सिंदूरदान हो रहा है, इनके यहाँ इस तरीके से होता है, कोई भी नहीं देखता है, ना ही कोई कैमरामैन, कुछ भी नहीं, और इस तरीके से चादर लगा के और तब होता है सिंदूरदान, जो यहाँ पे हो रहा है आप देख सकते हैं। तो उठा दो फोटो, राजू भैया ला भैया फोटो रिकॉर्डिंग दोनों से। अरे वो नीचे करो, दाहिना फोन नीचे करो, हां लगे एक बार और के ठीक। अरे सुनो नीचे से पहले ले जाओ नीचे, अब ऊपर से अब ले जाओ बोले कि चाचा को लेकर मामा को आ जाइए, हो गया शादी वाला रस्म पूरा हो गया, आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। यहाँ जब सिंदूर लग जाता था ना तो 5 औरतें मिलके लगाते हैं, बट इनके यहाँ नहीं होता है, इनके यहाँ मामी लोग लगाते हैं, और ससुराल से साड़ी आती है इस तरीके से, तो यहाँ पे लगाया हमने दोनों जनों ने मिलके, और फिर इस तरीके से चुमावन किया और जो शादी है वो संपन्न हो चुकी है।
आराम से। पीठ पे पैर रख के चल जाओ। खा लो हम देखा था नहीं हम जाके कॉफी करब भूख लागल बड़ा दौड़ छ मत कोई ले बोल दी ना अब कहो बॉडी में लई का लेके डलवा दी बॉडी में बाबू डले बाबू डले निकाल लो ऊपर से मौरिया उठाओ ना वो ना जाए। हाँ ना जाए। मानी मेरा काल चले के यही जरूर रुक जाता ना यही जरूर रुक जाता ना काल सब चले हाँ ना हो रानी उसे ये पक्का जेबू लहंगा पहन के नहीं जाओगे मौत नहीं के कह रहा धुलाई ना हमार थाक गई वाली जैसे धुलाई में के नीचे लटा के ऊपर वाले तो बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी लेकिन सोचा कि अब विदाई विदाई हो जाए उसके बाद ही सोएंगे। और यहाँ पे अब दुल्हन को विदाई के लिए रेडी कर रहे थे। वापस से लहंगा पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, लहंगा निकालना फिर साड़ी पहनाना फिर वापस से लहंगा पहनाना थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन इनको रेडी कर रहे थे। और इस टाइम इनके अंदर क्या चल रहा होगा ना, बाप रे अजीब सा ही होने लगता है। हमें पता होता है कि कुछ घंटों में अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देंगे और फिर वो एक आज़ादी जो होती है ना, वो लड़की की वो शादी से पहले वाली, वो सब कुछ हट जाती है। चाहे आप कितना भी कह दो ससुराल अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन एक वो जो खुआर की बात है, मतलब शादी से पहले की बात है, वो नहीं रहती है। यहाँ पर ये रस्म हो रही है, सब लोग अपने अपने तरफ से दूल्हे को गिफ्ट देते हैं तो सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिर घर भरने की रस्म हुई। और गाइज आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने दूल्हा दुल्हन की फ़ेस को हाइड क्यों किया है, वो मैं आपको जल्दी बता दूंगी कि उसका रीज़न है हाइड करने का। और बाकी यहाँ पे ये बाकी सारे रस्में हो रही थी और दुल्हन का जो रोना है वो शुरू हो चुका था। अरे पूछ लो जाओ कितने घर भर कर आओ ए गाली मारता तो मैं फेंकवा रहा हूं। बोलूंगा ए निकी पूछक केकर घर भर था ई मारा था उनका से पूछ ली इनसे तू पूछो का ये ठकुराला।